नमस्कार, बी चैनल के एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। राजस्थान के भाड़मेर जिले की ये दिल दहलाने वाली घटना है। यहाँ कोरोना से पिता की मौत होने से दुखी बेटी ने जलती चिता में छलांग लगा दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस बुरी तरह झुलस चुकी लड़की को सरकारी अस्पताल ले गई, जहां से उसे जोधपुर रवाना किया गया। बता दें कि 73 साल के दामोदर दास शारदा की मौत मंगलवार सुबह कोरोना की वजह से हुई थी। कोविड 19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अंतिम संस्कार के लिए शव को परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक दामोदर दास की छोटी बेटी ने अंतिम संस्कार के दौरान शमशान घाट के भीतर जाने की जिद की, क्योंकि उनके परिवार में कोई पुरुष सदस्य नहीं है। पुलिस ने कहा कि अंतिम संस्कार के दौरान 34 साल की चंद्रकला अचानक पिता की जलती चिता में कूद पड़ी। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने हैट्रिक करते हुए लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ममता को नसीहत देते हुए गवर्नर धनखड़ ने कहा कि राज्य में चुनाव के बाद होने वाली हिंसा को रोकने को कहा है, तो वही ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं हिंसा बर्दाश्त नहीं करूंगी, आज के बाद पश्चिम बंगाल में ऐसी घटनाएं नहीं होने दूंगी। अब राज्य में बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने हेल्थ बुलेटिन के तर्ज पर अस्पतालों में मौजूद बेड्स की जानकारी देने का भी फैसला लिया है। इसमें राज्य में मौजूद कोविड बेड्स की जानकारी दी जाएगी। सरकार के इस कदम से जनता को कुछ हद तक राहत मिलने की आशंका है। यह फैसला गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने बैठक के बाद सुनाया है। रहमान फाउंडेशन, जो कई सालों से आवाम की सेवा में लगा हुआ है, रहमान फाउंडेशन बेलगाम के कई जरूरतमंदों तक अपनी सेवाएं पहुंचाने में कामयाब रहा है। फ्लड, कोविड हो या फिर कोई और आपातकाल, ये हर वक्त लोगों की मदद के लिए तैयार रहता है। हाल ही में इस तंजीम के जानिब से बेलगाम के सुभाष नगर में नोमानी अस्पताल भी खोला गया है, जिसमें सैकड़ों मरीजों ने अपना इलाज करवा सेहतमंद हुए हैं। इस तंजीम के पूरे मुल्क भर में कई ब्रांचेस भी मौजूद है, उन्हीं में से एक ब्रांच गोकाक के कन्नूर में भी है। इस ब्रांच के जानिब से करीब 500 रमजान रेशन किट्स बनाए गए हैं, जो उनके सही हकदारों तक पहुंचाए जाएंगे। एमएस के एमपी कैंडिडेट शुभम शेलके, जिन्होंने हाल ही में हुए बाई इलेक्शन में करीब 1.25 लाख वोट अपने नाम कर जनता का भरपूर सपोर्ट हासिल किया था, उन्होंने कहा है कि बेलगाम में कोविड के हालात को देखते हुए कल ही बैठक के अनुसार बेलगाम के मराठा मंदिर में कोरोना मरीजों के लिए 100 बेड का आइसोलेशन सेंटर शुरू करने का फैसला लिया गया था, जिसके तहत आज से आइसोलेशन सेंटर बनाने के लिए काम शुरू किया गया है। आने वाले सप्ताह में जनता जनार्दन की सेवा के लिए ये आइसोलेशन सेंटर तैयार हो जाएगा। बेलगाम शहर के फ्रूट मार्केट के करीब में मौजूद एचपी पेट्रोल पंप एक बार फिर सुर्खियों में है। पिछली बार की तरह इस बार भी पेट्रोल की जगह पानी की शिकायत लोगों ने की है। एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो चुका है, जिसमें एक शख्स वीडियो बनाते हुए पेट्रोल पंप में काम कर रही महिला को एक बकेट में पेट्रोल डालने को कहता है, फिर बकेट में पेट्रोल की जगह पानी निकलता है। अक्सर लोगों में ये चर्चा रहती है कि पेट्रोल स्टेशन में पेट्रोल डालते वक्त चोरी की जाती है और पेट्रोल में मिलावट भी की जाती है। ऐसे मामले लोगों के सामने आने के बाद लोगों का शक यकीन में बदलता नजर आ रहा है। प्रशासन को चाहिए कि ऐसे लुटेरों पर लगाम कसे और इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। शहर के कई इलाकों में पुलिस ने सड़कों पर निकलने वालों को चकाया लाठी का मजा। दिन ब दिन कोरोना के मरीजों के साथ कोविड से होने वाली मौतों में भी बढ़त देखने को मिल रही है। सरकार एक तरफ लॉकडाउन जैसा माहौल बना रही है, इस लॉकडाउन में कहीं सख्ती नजर नहीं आती दिख रही है। सड़कों पर कई दुकानें लगी हमें नजर आ रही है, तो कई और लोग कोरोना को दरकिनार करते हुए सड़कों पर बेभाग घूमते नजर आ रहे हैं। सरकार को चाहिए कि सिर्फ नाम के लिए लॉकडाउन नहीं बल्कि सख्ती से लॉकडाउन करे, जिससे लोगों की जानें बच सके। बरकतों और रहमतों का महीना रमजान चल रहा है, ऐसे में नन्हे रोजदार इबादत करते हुए अल्लाह से कोरोना से निजात पाने की दुआ मांग रहे हैं। बेलगाम खंजर गली के निवासी मोहम्मद गौस बाटलीवाला, इनकी 3 साल की पोती बीबी सारा शोएब बाटलीवाला ने रोजा रखकर अल्लाह से दुआ की है। तो ये थी अब तक की खबरें। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए बी चैनल के साथ।